की बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड के बाद आज से 6 दिन के लिए यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने छात्रों के प्रदर्शन के चलते छुट्टी घोषित कर दी है। ऐसे में कई छात्र हॉस्टल छोड़कर घर जा रहे हैं। छात्र अपना सामान लेकर सुबह से ही यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़कर घर की ओर रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से छात्र जो है वो अपना सामान लेकर घर की तरफ निकलते नजर आए हैं। यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड के बाद जो है 6 दिन के लिए अब यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद तस्वीरें जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कल पूरी रात जो है वो हंगामा होता रहा। छात्र किस तरीके से एमएमएस कांड पर प्रदर्शन करते रहे, किस तरीके से बवाल यूनिवर्सिटी के भीतर जो है वो मच रहा था। और अब यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन लिया है कि 6 दिन तक यूनिवर्सिटी जो रहे वो बंद रहेगी और उसके बाद छात्र अपनी घरों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा ये एमएमएस कांड क्या है वो हम आपको बता दें। मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि एक छात्रा जो है वो आपत्तिजनक वीडियो दूसरी छात्राओं की भी बनाती थी और उसे अपने दोस्त को जो शिमला में मौजूद था उसे भेजा करती थी। ये आरोप एक छात्रा के ऊपर लगे थे, जिसका एक वीडियो सामने आया था। वार्डन उस छात्रा को डांटती हुई उस वीडियो में नजर आ रही है, जिसमें छात्रा ये कबूल कर रही है कि वो वीडियो बनाती थी, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से जांच की। एसपी का हालांकि जो बयान आया और महिला आयोग के तरफ से जो बयान दिया गया उसमें ये कहा गया है कि छात्रा सिर्फ आपत्तिजनक वीडियो खुद के बनाती थी। एसपी ने ये बयान दिया है और कहा है कि अभी तक किसी अन्य छात्रा का वीडियो जो है वो सामने नहीं आया है, ये मात्र अफवाहें हैं। लेकिन वहीं यूनिवर्सिटी के और हॉस्टल की जो छात्राएं हैं उनका कहना है कि आपत्तिजनक वीडियो दूसरी छात्राओं के भी बनाए गए हैं। खत्म हो गया है कि चल रहा है? हाँ जी, एक बार तो हो गया जी, सॉर्ट आउट रात को चल रहा था। हाँ। बाद में पुलिस ने कर ली डिमांड पूरी जो थी बच्चों की। हाँ। अब ठीक है सब कुछ, पर लग रहा है कि काफी लड़कियां यहाँ से छोड़ के जा रही हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तरफ से कोई दबाव बनाया जा रहा है? देखिए दबाव तो मतलब मैट्रिक को जरूर दबाने की थोड़ी बहुत कोशिश हुई। तो आप भी हॉस्टलर हैं? हाँ जी हॉस्टलर हैं। क्या घर जा रहे हैं? हाँ जी आज घर जा रहे हैं, तो क्योंकि अब हफ्ते की छुट्टियां होगी ना, तो अब घर एक बार जाते हैं। तो कल तो 2 दिन की डिक्लेयर की थी, अब हफ्ते की बोल दी है? हाँ जी हफ्ते की है ये। तो क्या लगता है कि प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है या लड़कों की बच्चों की आवाज़? तो जी जो होना था हो चुका है, बच्चों की मांगे भी मान ली हैं। तो आप प्रोटेस्ट में थे? हाँ जी। नहीं हम नहीं थे। तो क्या मांगे, क्या मानी? मांगे जो बच्चों जो वीडियो में आ रहे थे है ना, जो फर्स्ट डे आ रहे थे उन पे थोड़ा बहुत उनको कह रहे थे कि आपको आपके ऊपर एक्शन आ सकता है। उनको उन्होंने कहा भी अब हम पर कोई एक्शन नहीं आना चाहिए। आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं कि? हाँ जी अपनी मर्जी। तो क्या प्रोटेस्ट खत्म हो गया यहाँ पे? हमें कुछ नहीं पता। तो आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो क्या मैनेजमेंट की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं है? नहीं नहीं। तो क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, आपको क्या लगता है? सर डोंट नो। तो क्या प्रोटेस्ट खत्म हो गया? नहीं। तो चल रहा है प्रोटेस्ट, तो आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं घर पे? यस। तो मोहाली में एमएमएस कांड को लेकर बवाल जो शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई लड़कियों के बाथरूम में वीडियो बनाने के आरोप जो है वो एक छात्रा के ऊपर लगे हैं और लगातार छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उधर पुलिस ने आरोपी छात्रा के बाद अब शिमला से उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिर भी नाराज छात्रों का गुस्सा जो है वो शांत नहीं हो रहा है। उनकी मांग है कि इस मामले में वार्डन को भी हटाया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्र लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि सिर्फ आरोपी लड़की का ही नहीं बल्कि 60 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो जो है वो बनाए गए हैं। अब ऐसे में पुलिस और यूनिवर्सिटी की थ्योरी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो बयान आ रहा है उससे इतर इन छात्रों का दावा है। वो बार बार कह रहे हैं कि 60 से ज्यादा ऐसी छात्राएं हैं जिनका आपत्तिजनक वीडियो जो है वो बनाया गया है। यूनिवर्सिटी के भीतर हमारे सहयोगी पहुंचे थे और कई छात्र छात्राओं से बात हुई, जिसमें उनका ये कहना था कि मामले को दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वहीं अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बयान आ रहा है उसमें ये कहा गया है कि किसी भी छात्रा ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया और ना ही किसी और का आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया है।
जो धरना है वो यहाँ पर जारी है। पिछले 5 घंटे से यहीं पर जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो इसी तरीके से छात्रों से बात कर रहे हैं। क्या बात रही यहाँ पर, क्या बातचीत हुई और क्यों समाधान नहीं निकला? हम समाधान निकला या नहीं निकला आपको कुछ देर में पता चल जाएगा, जैसा कि ये लोग जा रहे हैं एलसी से लाने के लिए। मेरे हिसाब से यही इन्होंने जो अंदर में बातें की हैं, इसे समाधान निकले। बात ये है, पहला तो अपॉलोजी था हमारा कि हमें जो सुबह सुबह हम सबको बताया गया कि हम गुमराह कर रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं कॉलेज के खिलाफ। आप बताएं, हम इस कॉलेज के छात्र हैं। बात कहाँ पे टूटी, क्या मांग कर रहे थे छात्र? हमारा मांग यही था कि पहले अपॉलोजी चाहिए कि हमें गलत बताया गया कि रूमर फैला रहे, जबकि बातें सस्ती पुलिस प्रशासन और कॉलेज मैनेजमेंट। दूसरी मांग हमारी ये थी कि एलसी से गर्ल्स जो बंद करके रखा गया उनको बाहर लाया। क्यों बंद करके रखा गया, कौन सी छात्राएं हैं? सारी के जो रात में जिनके उसमें हमें ये नहीं पता कि छात्राएं कौन सी है, इन्हें पता है, किसी ने नहीं देखा, आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है उनकी। वो ये भी हो सकती है जिन्होंने इसमें एक लड़की ना शामिल हो, क्या पता और भी लड़की शामिल हो, वो भी हो सकती है। बंद किया हुआ है ये, वो हो भी सकती है जो विक्टिम हो। सर हम लोग बस चाहते हैं कि वो जो 50 लड़कियां वो सामने आ जाएं। कौन से 50 लड़के? सर जो लड़कियां, नंबर एक्यूरेट अभी तक नहीं है कि कितने लोग, जो लड़कियां एलसी में बंद है वो सामने आ जाएं। और जब मैं हम लोग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से बोल रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि कुछ 50 लड़कों को भेज दो, मतलब हमारे ग्रुप बना के कुछ लड़कों को भेज दो अपने जिस पे भरोसा है, और ये सब जाके बात कर लेंगे। कुछ रिटर्न में भी मांगे गए थे डिमांड्स? हाँ, अभी सामने हमारे रिटर्न में लिखा गया सब, जैसे अभी प्रॉपर टाइप ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे माइक लेके पूछा गया, हमने अपने डिमांड्स बताए। डिमांड्स तो बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन जो मेन डिमांड यही तीन थी कि सामने सारी बातें आए, सच आए और कुछ छुपाया ना जाए, पर्दा ना रखा जाए। समाधान क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा अब? पता नहीं, अब तो वो गए हैं लाने, वही पता चल सकता है। दूसरी अपॉलोजी इसके बाद पता चलेगी सर क्या कह रहे हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है। तो ये देखिए, पंजाब पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर अभी भी डटे हुए हैं, बातचीत अभी भी चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हैं, और जो जगह ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पिछले 5 घंटे से बड़ी तादाद में स्टूडेंट बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे, लेकिन फिलहाल ये जगह खाली हो चुकी है और बहुत सारे जो स्टूडेंट यहाँ से उठे हैं वो एलसी हॉस्टल ली कॉर्बूजिए हॉस्टल जहां पर ये घटना हुई थी उस तरफ गए हैं, क्योंकि छात्रों की यही मांग थी कि जो छात्राएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं जहां पर ये घटना घटी है। और ये भी आरोप छात्रों ने लगाया है कि उस हॉस्टल में 7वीं फ्लोर की जो गर्ल्स हैं स्टूडेंट हैं उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम हैं, काफ़ी देर प्रशासन ने पुलिस अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की लेकिन समाधान नहीं निकला। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मोहाली के एसपी विक साहब हैं। विक साहब, क्या अड़चन है, क्यों समाधान नहीं निकल पा रहा? ये बच्चों की गल का कोई बेस ही नहीं है, मतलब जो तो कल वाला इंसीडेंट है वो जड़िया गल करते हैं तो उन्होंने कोई इन्होंने को एविडेंस नहीं है। ठीक है, जो ये कहें कि उन्हें किसी और बच्चे का वीडियो बनाया, असं कहने कि दिखाओ कोई वीडियो वायरल होया या उदा कोई वीडियो एक भी वायरल होया होए किसी तरह का भी वह खुद का या दूसरा, तो दे डोंट हैव एनी प्रूफ फॉर दैट। ठीक है जी, जिहड़ी भी ये गल कर रहे ने उदा कोई भी इन्हां कोल एविडेंस नहीं किसी तरह का। दूसरी इन्हां दी जिहड़ियां डिमांड्स ने दैट इज़ विद देयर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, यूनिवर्सिटी नाल ने, वो यूनिवर्सिटी हैज़ टू सी कि उसमें क्या जायज़ है क्या नहीं, उदा साडा कोई पार्ट नहीं है। जिहड़ी ये गल कर रहे हैं कि पुलिस ने ये क्यों बोल दिया, पुलिस हले भी कह रही है कि उन्हें बच्चे ने अपने कोई वीडियोज़ बनाए, उन्हें अपने बॉयफ्रेंड नूं भेजे, ठीक है, दैट इज़ हर पर्सनल लाइफ, जो उन्हें भेजे तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उन्हें भेजे, ठीक है। और किसी के वीडियो नहीं थे? नो, नॉट एट ऑल, टिल नाउ नो वीडियो हैज़ बीन फाउंड। डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस टूडे केम पंजाब, ही केम दैट फोन आके फ़ोन वो ले गए हैं साथ में, ठीक है, तो उसकी जांच हो जाएगी, उसमें कुछ निकलेगा तो दैट विल बी टोल्ड फर्दर। इसमें एक चीज़, अभी जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि कुछ लड़कियों को 7वीं फ्लोर पे वहाँ बंद करके रखा है या कहीं दूसरी, ऑल रूमर्स, देन यू विल गो ऑन 7वीं फ्लोर, यू विल नॉट फाइंड एनीबडी, बंद किया ये वो, कौन करेगा, क्यों करेगा, व्हेन सो मच ऑफ पुलिस इज देयर, सो मेनी सीनियर ऑफिसर्स आर देयर, तो 7वीं फ्लोर पे क्यों किसी को, मतलब एक हॉस्टल में क्यों बंद करके रखेंगे? सर आरोपी जो शिमला से कहा जा रहा है आपको हैंडओवर कर दिया गया क्या? हाँ जी, हाँ जी, एक बंदा पकड़ा वहाँ से, सर दो लोग फिलहाल, सर आई एम नॉट डीलिंग विद द इन्वेस्टिगेशन, हम लोग इधर लॉ एंड ऑर्डर ही देख रहे हैं, तो ऐसे कुछ भी अभी, एक मिनट ऑफिसर्स आ गए। तो नवनीत विर्क हैं मोहाली के एसपी, जो बता रहे हैं कि कई बातें यहाँ पर हुई, काफ़ी देर तक बातचीत हुई लेकिन समाधान निकल नहीं पाया है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर र्यूमर्स पर आधारित हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए समाधान निकल नहीं पा रहा है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश और नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स ऑफ नव भारत।